वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम इंसाइडर। सो लास्ट वीडियो में हमने सारी फार्म एक्टिविटीज देखी थी और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज, और ये लास्ट पार्ट है ये चैप्टर का। सो हमने वी लर्न अबाउट फार्मिंग एज अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम नॉन फार्म एक्टिविटीज। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन द पालमपुर आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर। तो ओनली 25% लोग ही है जो कि नॉन फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है? डेयरी। डेयरी क्या है? कॉमन एक्टिविटी है जो काफ़ी फैमिलीज करती है। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द जवार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। तो डेयरी में क्या है? बेसिकली इट इज अबाउट मिल्क। तो इट इज सोल्ड इन रायगंज, द नियर बाय लार्ज विलेज। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन्स हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। तो बेसिकली विलेज से पहले जो मिल्क है वो रायगंज में जाता है और रायगंज से और भी आगे फार अवे टाउन्स एंड सिटीज में जाता है, क्योंकि रायगंज में क्या है, चिलिंग सेंटर्स एंड कलेक्शन सेंटर बनाया गया है। ये एक्टिविटी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए है, एक बार गो थ्रू करना चाहो तो कर सकते हैं, बट एज फॉर यूपीएससी इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो पहले हमने डेयरी देख लिया, यानी कि मिल्क बिजनेस, मिल्क का बिजनेस देख लिया। अब मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। देर आर लेस देन फिफ्टी पीपल, नॉट फैमिलीज, पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palanpur involves very simple production methods and are done on a small scale. So it is small scale. They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor. Rarely are laborers hired. तो जैसे हमने देखा था कि large farm के लिए farming activities करने के लिए हम landless farmers को hire करते हैं farm में काम करने के लिए, बट जो कंपैरेटिवली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ही स्मॉल है, जहाँ पे 50 से भी कम लोग काम करते हैं पूरे विलेज में, और वो लोग छोटा छोटा घर खुद के फैमिली में ही, फैमिली के लोग ही हेल्प करके उसे कंप्लीट कर देते हैं। सो मिश्रीलाल हैज परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज सेट इट अप ऑन हिज फील्ड। तो एक मशीन खरीदी है मिश्री लाल ने। शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स बट पीपल प्रिफर टू डू इट विद मशीन दीज डेज। मिश्री लाल ऑल्सो बाइज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इन टू जैगरी। द जैगरी इज देन सोल्ड इन ट्रेडर्स एट शाहपुर। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, जैसे कि एक मशीन है उस मिश्री लाल के पास, उसने खरीदी है, जिसमें वो खुद की शुगर केन या फिर आसपास के जो फार्मर्स है उसकी शुगर केन को जैगरी में कन्वर्ट करता है और इसमें उसको एक स्मॉल प्रॉफिट मिलता है। पहले जो किससे होता था? बुलक से होता था। देन द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट कोई भी बड़े टाइप के मॉल्स नहीं होते जैसे सिटीज में होते हैं, एंड ओनली नेसेसरी आइटम्स ही मिलती है। Karim has opened a computer class center in the village. In recent years, a large number of students have been attending college in Shahpur town. So, एक example है कि village में computer class open किया गया है, which is an example of how development reaches village slowly. और यहाँ पे because of changing times where more students are going to school, काफ़ी सारे लोग computer classes को भी attend करने लगे हैं. देन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट दूसरा ऐसा फास्टेस्ट डेवलपिंग सेक्टर है।
हमने जैसे पालमपुर विलेज की स्टार्ट इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि उसकी जो जो रोड्स है जो पालमपुर को रायगंज और शाहपुर से कनेक्ट करते हैं, उसमें हम वेराइटी ऑफ व्हीकल्स देख सकते हैं, लाइक रिक्शा वाला, स्टोंगा वाला, जीप, बुलक कार्ट्स. तो हम लेटेस्ट लेटेस्ट व्हीकल्स लाइक जीप, बाइक, कार से लेके ओल्ड व्हीकल्स, ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स, बूगीज, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है किशोरा का जिसने स्मॉल लोन लिया था बैंक से गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू, और एक बफेलो बाय किया था जिससे वो फर्स्टली मिल्क सेल करता है एंड देन उससे फॉर ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करता है, जो उसको हेल्प करता है स्मॉल इनकम, एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने में. तो अगर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें से क्या की टेक अवेज है, तो पहले तो हमने देखा स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट लाइक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या फिर ह्यूमन कैपिटल. फिर हम कुछ क्रॉप्स के बारे में जब देख रहे थे तो जो हमें इन डिटेल पता होना चाहिए वो ये तीन है, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स. तो विच क्रॉप्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स, लाइक राइस, जूट, कॉटन, मेज, टोबैको, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, ये बाय हार्ट याद होना चाहिए. देन रबी क्रॉप्स वीट, पी, ग्राम, बार्ली, कैस्टर, मस्टर्ड, लिंसिड, रैपसीड. एंड जायद क्रॉप्स की बात करें तो राइस जो है वो खरीफ में भी काउंट किया जाता है और जायद में भी काउंट किया जाता है, कहीं कहीं जगह पे राइस को पैडी लिखते हैं. देन मेज, पम्पकिन, कुकुम्बर, मूंग दाल, मस्क मेलन, बिटर गोर्ड, वाटरमेलन, ऐसे क्रॉप्स को जायद क्रॉप्स कहा गया है. ये टेबल बाय हार्ट याद होना चाहिए. तो ये जो चैप्टर है इसका की टेक अवेज क्या है, पहले तो हमें समझ आया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद हमें समझ आया क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन विच इज़ अबाउट हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, और उसके ड्रॉबैक्स क्या है. फॉर एग्जाम्पल HYV सीड्स जो होते हैं इट इज़ मोर प्रोन टू पेस्ट, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स और भी ज़्यादा यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही है. नाउ टू कीप अप विद द प्रोडक्शन, अगर पिछले साल 500 टन्स ऑफ वीट ग्रो किया था और ये साल वापस उतना ग्रो करना है तो इवन मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स वी हैव टू यूज, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई है. देन हमने हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई कि फार्मर्स की क्या प्रॉब्लम्स है. लैंडलेस फार्मर्स क्या होते हैं, जो दूसरे के फार्म्स पे काम करते हैं, खुद की कोई लैंड नहीं होती है. फिर रिच फार्मर्स रिच क्यों होते जा रहे हैं, बिकॉज वो उनके सरप्लस से नेक्स्ट ईयर का कैपिटल अर्न कर सकते हैं. देन पुअर फार्मर्स क्यों पुअर होते जा रहे हैं, एक तो उसके डिफरेंट रीजंस है, जैसे लैंड फ्रेगमेंटेशन, जो एक फार्मर की अगर बड़ी लैंड है तो अगर उसके 3 सन्स है तो उसमें डिवाइड हो जाती है, ये एग्जाम्पल हमने देखा था. फिर उन लोग को सरप्लस भी नहीं होता है, उतना भी सफिशियंट, जब लैंड ही स्मॉल है तो उतने क्रॉप्स ग्रो ही नहीं होंगे कि वो खुद के लिए थ्रू आउट द ईयर सफिशियंट ग्रो करें, तो उसको सेल करके सरप्लस प्रोड्यूस करने की बात आती ही नहीं है. देन हमने देखा कि वॉट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, तो एक साल में डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में अगर हम अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करें तो दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग. तो ये मेन की टेक अवेज है जो हमें ये चैप्टर्स से समझने हैं. वर्ड टू वर्ड बाय हार्ट करने की क्या है, पालमपुर विलेज ये सब जरूरत नहीं है, पालमपुर इज अगेन नॉट रियल इमेजिनरी विलेज. हमारे जो की टेक अवेज है वो यही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, फार्मर्स क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, विलेज एक विलेज कैसे वर्क करता है, विलेज में मेजॉरिटी अगर एग्रीकल्चर है तो जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है वो कौन कौन सी है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रॉप कौन कौन से है, खरीफ, रबी, जायद, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर हमने यहाँ पे देखा जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर.